नमस्कार दोस्तों, फिर से हाजिर है आपका अपना दोस्त आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर दिन की तरह हमने आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव किया हुआ है। दोस्तों, आप देखेंगे तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में काफ़ी दिनों से था, एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। फाइनली जैसे ही उस चैनल को ब्रेक करता है, एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलती है। दोस्तों, क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? आने वाले दिनों में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे? क्या स्टॉप लॉस रखने होंगे? उन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको स्टॉक का नाम बताना चाहेंगे। आज हम बात करेंगे MTR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एक समय में 2900 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, अभी आप देखेंगे तो 2150 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, मुझे लगता है यहाँ से एक छोटे से रिस्क के साथ एक अच्छा रिवार्ड बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में सैमको और एप्पल का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप अकाउंट खोल सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप फ्री आपका ज्वाइन कर सकते हैं सारी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। दोस्तों, आप सभी को विदित है, हर दिन हम आप लोगों के लिए नए नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक का चुनाव करते हैं। 60 वीडियोज, लॉन्ग वीडियोज आप लोगों के लिए लेके आया करते हैं, जो कि आने वाले दिनों में एक बम्पर तेजी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें MTAR रक्षा, एरोस्पेस, परमाणु और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए उपकरणों का विकास और निर्माण के कार्य में लगा हुआ है। दोस्तों, अब हम इसके टेक्निकल पैरामीटर्स को नजर डालेंगे। तो सबसे पहले इसके सपोर्ट और रेसिस्टेंट को जान लेते हैं। अगर मैं फर्स्ट रेसिस्टेंट की बात करूं, 2199.32 का है। सेकंड रेसिस्टेंट की बात करें, 2250.18 का है। थर्ड रेसिस्टेंट की बात करें, 2300.37 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सपोर्ट के ऊपर डालेंगे। अगर मैं फर्स्ट सपोर्ट की बात करूं, 2098.27 का है। सेकंड सपोर्ट की बात करें, 2048.08 का है। थर्ड सपोर्ट की बात करें, 1997.22 का देखने को मिल रहा है। अब एक नज़र सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर डालेंगे। तो आप यहां पे देखेंगे दोस्तों, 5 डेज, 10 डेज, 20 डेज, 50 डेज, 100 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहां पे बुलिश देखने को मिल रहे हैं। 200 डेज के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो यहां पे बेरिश देखने को मिल रहे हैं, जिसका कारण मैंने आपको बताया कि स्टॉक एक ही रेंज के अंदर एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, अभी यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अगर 102 दिन तक स्टॉक ऊपर चलता है तो आपको 200 के जो सिंपल मूविंग एवरेज हैं वो भी आपको बुलिश देखने को मिल जाएंगे। अब एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के वैल्यूएशन को जान लेते हैं। अगर मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं, 6606 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पी रेशियो की बात करें, 80.00 का है। डिविडेंड यील्ड 0.00। बुक वैल्यू की बात करें, 214.87 का है। फेस वैल्यू 10 का है। प्राइस बुक रेशियो की बात करूं तो 10 का है। ROCE की बात करें, 22.06% का है। ROE की बात करें, 16.68% का है। तो बेहतरीन फंडामेंटल यहां पे देखने को मिल रहे हैं। अब एक नज़र इन्वेस्टमेंट रिटर्न के ऊपर डालेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे, 1 वीक में लगभग 9% की तेजी, 1 महीनों में लगभग 13%, 3 महीनों की बात करें तो लगभग 9%, 6 महीनों में देखेंगे तो -4% का निगेटिव रिटर्न, 9 महीनों में लगभग 7% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। बीते 1 सालों में 14% का पॉजिटिव रिटर्न, 2 सालों में 46%, 3 सालों की बात करें तो 131% का जबरदस्त रिटर्न, 4 सालों में 98%, बीते 5 सालों में देखेंगे तो 98% का पॉजिटिव रिटर्न MTAR टेक्नोलॉजी ने अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब एक नज़र कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर डालेंगे। तो सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग जान लेते हैं। 37.26% की होल्डिंग प्रमोटर की है। DII की बात करें, 18.08% की होल्डिंग है। FII की बात करें, 10.57% की होल्डिंग है। पब्लिक इन्वेस्टर के पास 34.09% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो चलिए, अब हम आपको सीधे चार्ट के ऊपर लेके चलते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, मेरी वेबसाइट भी है www.bigmoneyreward.com, आप जाके विजिट कर सकते हैं, सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देखेंगे दो लाइनों को मैंने क्रॉस ड्रा किया हुआ है। दोस्तों, ये इसका एक चैनल था, डाउन ट्रेंड था, इसी ट्रेंड के अंदर स्टॉक काफ़ी दिनों से ट्रेड करता रहा। फाइनली आप देखेंगे यहाँ पे जैसे इसको ब्रेक करता है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग के बाद से कंटिन्यू आप देखेंगे तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं चार्ट को जूम आउट करूंगा तब वो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले लेवल्स को नोट डाउन कर लेते हैं। अगर स्टॉक 2140 से 2150 की रेंज मिले तो आप इस स्टॉक के अंदर बाइंग कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। अगर मैं इस कैंडल की लो की बात करूं तो 1985 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें बने रह सकते हैं। आने वाले दिनों में जो टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, 2400, 2500, 2600 के टारगेट आने वाले 1 से 3 महीनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 महीनों से ज़्यादा का नज़रिया रखते हैं तो फिर ये स्टॉक आपको 3000 प्लस जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों, अब अगर मैं चार्ट को जूम आउट करूं तो आप यहां पे देख पाएंगे दोस्तों, यहां पे हाई लगाने के बाद से अगर मैं यहां की हाई की बात करूं
तो दोस्तों स्टॉक ने 2850 रुपए के हाई लगाने के बाद से, सॉरी 2920 रुपए 35 पैसे का हाई लगाने के बाद से स्टॉक आप देखेंगे इसी चैनल को फॉलो कर रहा था, डाउन ट्रेंड में था। आप यहां पे देखेंगे ब्रेकआउट हुआ, अब ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। अब मैं अगर आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो सारी पिक्चर क्लियर समझ में आ जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं वीकली चार्ट हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया है। यहाँ के हाई की बात करूँ 2920 रुपये 35 पैसे का हाई है, उसके बाद से कंटिन्यू स्टॉक के अंदर गिरावट आप यहाँ पे देखेंगे, वापस ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीच में कहीं रेसिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है दोस्तों, हो सकता है 1-5% की गिरावट कहीं बीच में दिखाई दे, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन आपको यहाँ पर नज़रिया थोड़ा सा लंबा रखना होगा। दोस्तों आप लोगों के लिए एक ही डिस्क्लेमर है, किसी भी स्टॉक के अंदर हम बाइंग या सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। किसी भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। दोस्तों अपना और अपने पोर्टफोलियो का रखिएगा ख्याल, कल मिलेंगे एक नए बेहतरीन ब्रेकआउट स्टॉक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।